शिरो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज़ टॉक चैनल में। स्वागत पर दुल्हे ने खाई कुछ ऐसी चीज कि अगले ही दिन दुल्हन घर छोड़ के चली गई। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो काफी ज्यादा नाजुक और काफी ज्यादा पवित्र होता है। इसी दौरान ही बताया जाता है कि काफी सारे लड़ाई झगड़े एक्चुअली में पति पत्नी के बीच में होते हैं। पर अगर हम लोग आपको ये चीज बताएं कि पति पत्नी के बीच में सुहाग रात को ही झगड़ा हुआ, जिसके कारण सुबह पत्नी जो है उसने काफी बड़ा डिसीजन लिया और वो अपने मायके जो है वो वापस चली गई और ये बोल गई कि एक्चुअली में वो अपने पति से रिश्ता तोड़ना चाहती है। इसके पीछे का कारण तो आप लोग जानना ही चाहते होंगे। ये जो पूरा मामला हमारे सामने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आ रहा है, जहां पर शादी हुई थी। शादी के दौरान ही लड़का जो है वो एक्चुअली में पान मसाला खा के घर रूम के अंदर गया और लेके भी गया। इस दौरान ही जब पत्नी ने उसका मुंह देखा, मुंह देखने के बाद काफी ज्यादा वो चिल्लाने लग गई। इसी दौरान ही वहां पर जो पति था उसने उसकी पिटाई भी कर दी। लाजमी सी बात है, अगर पहली ही रात पिटाई कर दी और एक्चुअली में वो उसको पान मसाला जो खा रहा था उसके साइड इफेक्ट बताने के बाद भी वो उसकी जरा सी भी नहीं मान रहा था, तो दुल्हन को गुस्सा आ गया। इस दौरान ही दुल्हन ने ये फैसला उठाया और सुबह होते ही वो अपने मायके जो वापस चलेगी। उसके बीच में पंचायत भी खड़ी हुई। पंचायत में सबसे दुख बात ये थी कि जो वहां की महिलाएं थी वो एक्चुअली में खरी खोटी जो है वो एक्चुअली में उस दुल्हन को ही सुना रही थी। वहां पर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आया कि मैं एक्चुअली में उसकी जिंदगी बचाने के लिए कि ये सब चीजें ना खाए वो चीज बोल रही हूँ और वो मुझे पीट रहा है, फिर भी यहाँ की महिलाएं वो उल्टा मेरे को ही सुना रही है, तो मुझे इस आदमी के साथ रिश्ता भी नहीं रखना है। वहां पे बड़े बुजुर्गों ने काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की, पर ये महिला जो है वो समझने के लिए तैयार नहीं थी, उसने ये रिश्ता तोड़ दिया। अभी आप ये चीज बताइए कि ये महिला ने सही किया या गलत, जल्द कीजिए कमेंट। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।